हाय एवरीवन, माई सेल्फ नेहा, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैंने ये न्यू डाइज मेकअप किया है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप। और मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है। स्किन को प्रेप करने के लिए मैंने फेस वॉश कर लिया था, और टोनिंग के लिए मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का टोनर, वो भी मैंने ऑफ स्क्रीन ही यूज़ कर लिया था। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ निविया के सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र, और इसे मैं स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट करूँगी। मेरे लिप्स काफ़ी ड्राई हो रखे थे, तो उनको हाइड्रेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे वैसलिन की पेट्रोलियम जेली। आप इसकी जगह पे कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली वैसलिन ही यूज़ करती हूँ। आई बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्राइलोन की सुप्रा पैलेट में से आइवरी शेड। और उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि कोई भी क्रीज ना आए। इसको लॉक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो पैलेट में से वाइट आई शेडो। इससे आप जो भी कलर आईज़ पे यूज़ करोगे वो अच्छे से पॉप आउट होंगे, इसलिए मैं आज लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ अपने आई बेस के लिए और उसको लॉक करने के लिए। आई शेडो पैलेट में से जो ब्राउन फैमिली में सबसे लाइट कलर है वो लेके मैं अपने आई सॉकेट पर लगा रही हूँ। आईज़ को डेप्थ देने के लिए मैं एक मीडियम ब्राउन कलर ले रही हूँ और उसे अपने आई क्रीज पे लगा रही हूँ। डार्क ब्राउन कलर लूंगी और उसे अपने आई क्रीज पे लगाऊंगी और अच्छे से ब्लेंड करूंगी। आईलिड्स के लिए मैं यूज कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर और उसे अभी जस्ट मैं प्लेस करूंगी। सेम कलर लेके अपनी दूसरी आईलिड पे भी प्लेस करूंगी। अभी अनदर आई शेडो पैलेट में से जो डार्केस्ट ब्राउन कलर्स हैं वो मैं यूज कर रही हूँ अपने आईलिड्स पे। ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मीडियम ब्राउन कलर्स और उसको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करूँगी। अब ये क्लीन ब्रश लेके मैं अपने आई क्रीज को ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का हाइलाइटर। और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप हाइलाइटर लगाएं इसे अपने मिड ऑफ द आईब्रोज तक ही रखें। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का जेल आईलाइनर। और जब भी आप आईलाइनर लगाएं अपनी लैश लाइन को फॉलो करते हुए लाइनर लगाएं।
और गाइज आज मैंने आईलैशेस अप्लाई नहीं की हैं, इसलिए मैं मस्कारा दो बार लगाऊंगी। और एक बार आप जब मस्कारा लगाएं उसको सूखने दें 30 सेकंड तक, और उसके बाद ही दोबारा एप्लीकेशन करें। डार्क एरियाज़ को कवर करने के लिए मैं यूज़ करूंगी अपनी स्किन टोन से 2 शेड डार्क कंसीलर। आज मुझे हैवी बेस नहीं चाहिए था, इसलिए मैं कलर करेक्टर की जगह पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं इसको ब्लेंड करूंगी। और गाइज हमेशा याद रखें कि जब भी आप कलर करेक्टर या कंसीलर यूज़ करते हैं उसको पूरी तरह ब्लेंड नहीं करना होता है, एक लेवल तक ही ब्लेंड करें, क्योंकि अगर आप पूरी तरह ब्लेंड कर देते हैं तो जो आपके डार्क एरियाज़ होते हैं वो फाउंडेशन में से विजिबल होते हैं और इसी के कारण आपका फाउंडेशन ग्रे दिखता है। आज मैं मीडियम कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ स्टे क्योर की के, उसके डार्क और लाइट शेड लेके मैंने मिक्स किए हैं और ब्यूटी ब्लेंडर से ही फाउंडेशन एप्लीकेशन करूँगी। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन लगाते हैं तो आपका बेस फ्लॉलेस बनता है। अभी मैं फेस को कंटोर करूंगी और कंटोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम कंट्रोल सुप्रा पैलेट में से। और गाइस जैसे कि आपको पहले भी बताया था, कंटोरिंग हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जहाँ पे हमारे फेस के नेचुरल शेडोज़ होते हैं वो फाउंडेशन लगाने के बाद इक्वल हो जाते हैं, इससे आपका बेस इतना अच्छा नहीं दिखता है। नेचुरल शेडोज़ और 3D लुक के लिए कंटोरिंग ज़रूरी होती है। अभी मैं इसको ब्लेंड करूंगी। आपके फेस पे कोई भी लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, एकदम ब्लेंडेड बेस दिखना चाहिए आपका। बेस को लॉक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्राइलोन का ट्रांसलेंस्ड पाउडर, और जहाँ पे आपकी क्रीज बनती है वहाँ पे पहले आप ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कीजिए, फिर ही वहाँ पे पाउडर अप्लाई करें। कंटोर को लॉक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर कंटोर, और जहाँ पे कंटोरिंग की है वहीं पे उसे अप्लाई करूँगी और उसे बाद में ब्लेंड करूँगी। ब्लशर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की अल्ट्रा ब्लश पैलेट, और उसमें से डार्क ब्राउन और मीडियम ब्राउन कलर लिया है और उसको मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि ब्लशर मैक्सिमम है ब्रश में, इसलिए पहले मैं इसे चिक बोन पे लगा रही हूँ और उसके बाद ब्लेंड करते हुए एप्पल ऑफ द चिक्स में लेके आ रही हूँ। हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का हाइलाइटर, और जहाँ पे ब्लशर अप्लाई किया है ठीक उसके ऊपर हाइलाइटिंग करूँगी, और जहाँ पे हमारे हाइलाइट्स पॉइंट होते हैं वहाँ पे भी हाइलाइटिंग करूँगी। और अभी मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी आर्टिफिशियल लुक ना आए, एक नेचुरल लुक दिखे। अभी मैंने मेबलिन का सेम जेल आईलाइनर लिया है और उसे अपने वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। इसको हम एज ए आईलाइनर और काजल दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं।
काजल को स्मज करने के लिए मैं यूज़ करी स्विस ब्यूटी का ब्लैकआउट और उसको ब्रश की हेल्प से अपने आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी और ब्लेंड करते हुए इनर कॉर्नर तक लेके जाऊंगी।